सरहद पर हमारे सैनिकों के साथ बर्बरता के कारण पूरे देश में चीन के प्रति गुस्से का माहौल है। जगह जगह चीनी सामान की होली जलाई जा रही है। व्यापारी वर्ग भी चीनी सामान का बहिष्कार कर रहा है। चीन के खिलाफ भावनाओं में उबाल लाजमी है, लेकिन क्या ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में चीन से ट्रेड रिलेशन तोड़ लेना आसान होगा? खासतौर से राजस्थान का ट्रेड सेक्टर क्या है इसके लिए तैयार है? बॉयकॉट चाइना पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सरहद पर जिस तरीके से चीन ने हमारे सैनिकों पर धोखे से हमला किया और बर्बरता दिखाई, उससे हर देशवासी में उबाल है। इसकी प्रतिक्रिया में देश भर में चीन के सामान का बहिष्कार होने लगा है। जगह जगह से चीन के खिलाफ व्यापारिक संबंध तोड़ने की आवाजें उठ रही हैं। व्यापारियों की भावना देश हित में, देश के मान में, देश के सम्मान में, वो किसी भी रूप में देश का विकास चीनी माल को खरीद कर, चीनी माल को बेच कर नहीं करना चाहता है। पहले भी हमने इसी चीनी माल का विरोध किया है, लेकिन अब पूर्ण जोर तरीके से हम पूरा विश्वास है पूरे दुकानदारों का, पूरे व्यापारियों का साथ हमें मिलेगा। हम यदि चीन के साथ व्यापारिक संबंधों को तोड़ें या सीमित करें, तो जानने की कोशिश करते हैं कि देश के साथ राजस्थान के लिए कितना आसान या फिर कितना चुनौती भरा होगा यह कदम। आंकड़ों पर नजर डालें तो चीन से होने वाले 5.5 लाख करोड़ के कुल व्यापार में 4,49,000 करोड़ का आयात और 1,10,000 करोड़ का निर्यात होता है। जाहिर सी बात है कि निर्यात की तुलना में हमारा आयात चीन पर अधिक निर्भर है। प्रदेश की बात करें तो जयपुर से जेम स्टोन के कुल निर्यात में 25% की हिस्सेदारी चीन की है। जयपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष राजू मंगोड़ी वालों का कहना है कि चीन से ट्रेड रिलेशन को एक झटके में तोड़ना आसान नहीं है तो नामुमकिन भी नहीं है। इतना आसान नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा उसके लिए। जैसे मोदी जी ने हमारे को कहा है आत्मनिर्भर बनने के लिए, ये बहुत अच्छी बात कही है, और उसके लिए हमारे को हमारी इंडस्ट्री जितने भी हिंदुस्तान में लगी हुई है, इंडस्ट्रीज़ को अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, प्रोडक्शंस की कैपेसिटी बढ़ानी होगी, और चाइना के कंपैरेटिव में जो क्वालिटी बना रहे हैं उस लेवल की क्वालिटी हमारे को यहाँ बनानी पड़ेगी। ये बहुत इजी है, आसान नहीं है बनाना, लेकिन इन सब चीज़ों में वक्त लगेगा। इतना आसान नहीं है कि हम कल से ही हमारी क्वालिटी को हम बाहर के देशों की तरह उस लेवल पे ले आए। स्टोन इंडस्ट्री की बात करें तो चीन भारत से मार्बल और ग्रेनाइट के बड़े ब्लॉक इंपोर्ट करता है, फिर प्रोसेस करके वापस एक्सपोर्ट करता है। इसमें दक्षिण भारत के ग्रेनाइट की मात्रा ज्यादा है। सीडोस के उपाध्यक्ष अशोक धूत का कहना है कि जयपुर में होने वाले इंडिया स्टोन मार्ट में चीन की अहम भागीदारी रहती है, फिर भी प्रदेश के पत्थर उद्योग पर चीन का ज्यादा असर नहीं है। वही राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एस के कालानी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में चीन पर निर्भरता तेजी से कम हो रही है। काफ़ी प्रोडक्ट हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं जो दिन प्रतिदिन हमारे उपयोग में आता है। उसके अलावा मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, मशीनरी पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर एक दृढ़ इच्छा शक्ति हम करें और अपने देश को, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अगर ये दृढ़ शक्ति हम देश के सारे उद्यमी, उद्योगपति, व्यापारी ये कर ले कि हमें ये उत्पाद जो चाइना से आता है वो हम यहीं बनाएंगे, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो आने वाले मेरे ख्याल से 4-5 साल में हम लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं। कि चाइना को सबक सिखाया जाना चाहिए, और भले ही आज हम खुद सेल्फ डिपेंडेंट ना हो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में, लेकिन हमारे को सपोर्ट करने के लिए कोरिया में दो बड़े ब्रांड है, एलजी और सैमसंग, उनकी दोनों की यहाँ फैक्ट्रीज है, उनका सारा इन हाउस प्रोडक्शन होता है। ताइवान हमारे को सपोर्ट करने को तैयार है, हांगकांग हमको सपोर्ट करने को तैयार है, वियतनाम हमको सपोर्ट करने को तैयार है, और थाईलैंड भी आज हमारे साथ में है।
और बहुत सारे यूनिट जब चाइना के अंदर में प्रॉब्लम हुई और जब कोरोना की शुरुआत चाइना में हुई तो आपने सुना भी होगा कि बहुत सारी कंपनियां वियतनाम और थाईलैंड शिफ्ट भी हुई है। हमारे देश के कई सेक्टर में 80% तक इम्पोर्ट चीन पर निर्भर है। इनमें फार्मा, केमिकल, उर्वरक, ऑटो, स्टील, सोलर पैनल शामिल हैं। इसमें एकदम से कमी करना तो आसान नहीं होगा, लेकिन सरकारी ठोस नीति, रिसर्च और डेवलपमेंट पर फोकस किया जाए और देश की प्रतिभाओं और उद्योगपतियों को प्रोत्साहन दे तो चीन को हर मोर्चे पर हराना मुश्किल भी नहीं है। कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ एवन टीवी के लिए बीके शर्मा की रिपोर्ट। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें एवन टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।